नमस्कार, पुष्पास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए चालता कैसे काटते हैं उसी के प्रोसीड्योर लाई हूँ। यहाँ पर मैंने दो चालता ले लिया है, उसको अच्छे से धोकर साफ कर दी हूँ। साफ करने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लिया है। अब उसको बीच में से काट रही हूँ। जैसे प्रोसीड्योर मैं फॉलो कर रही हूँ ठीक वैसे प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से चालता को काट पाएंगे। इसका और एक नाम है, इसको कहते हैं एलिफेंट एप्पल। एक एक चालता को मैंने चार टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके जो अंदर के पोर्शन है उसको मैं निकाल के फेंक दूंगी। ये वाले पोर्शन आपको निकाल के फेंक देना है। जब भी आप चालता काटे तो ध्यान रखिएगा आपके जो भी हाथ है वो गीला ना रहे, क्योंकि चालता स्लिप बहुत करता है। तो अगर हाथ गीला रहेगा तो वो बहुत ही आसानी से स्लिप करेगा, इससे आपके हाथ भी कट सकते हैं। ऐसे करके अंदर के जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको निकाल के फेंक देना है और ऐसे डिवाइड कर लेना है। देखिए, जितने भी अंदर के पोर्शन है वो मैं काट कर फेंक दे रही हूँ और इसको डिवाइड कर ले रही हूँ। ऐसे करके कंटिन्यूअसली काट लेना है पूरे चालता को। ये वाले पोर्शन हम लोग नहीं खाते हैं, इसको इसीलिए फेंक देना है। अब चालता जो है वो अच्छे से काट लिए हूँ मैंने। अब इसको एक एक टुकड़ा लूंगी, लेने के बाद इसको डिवाइड कर लूंगी। पहले ऐसे साइज में काट लेना है, इसे मोटा मत कीजिएगा, क्योंकि चालता का जो भी अचार वगैरह बनता है वो इसी साइज का बनता है। चालता का अचार की वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप आई बटन पे जाकर बाद में इसको देख सकते हैं। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लूंगी और उसका जो भी साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन है वो फेंक देना है। ऐसे करके काट लेना है अच्छे से, सारे चालता के टुकड़े को ऐसे ही काट लेना है। काट लेने के बाद अब इसमें देखिए साइड में, मतलब नीचे के साइड में जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको फेंक देना है, इसको ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो उतना दिखने में अच्छा नहीं है, इसीलिए साइड वाला पोर्शन मैं फेंक दे रही हूँ, क्योंकि वो कुछ काम की नहीं है। चालता के बीच में, मतलब चालता के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे एक पोर्शन होगा जो कि आपको निकाल के फेंक देना है, और इसका जो भी पीछे का छिलका है वो छिलका आपको निकाल लेना है। बीच बीच में आप इसको निकालने में अगर तकलीफ होती है तो कटर के मदद से इसको निकाल लीजिएगा, और पीछे का छिलका जो है वो भी आपको निकाल लेना है। ऐसे करके पूरे चालता को काट लेना है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी रहती है तो भी वो शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी नई किसी वीडियो के साथ। देखिए, पूरा चालता जो है वो कट के तैयार हो गया है, अब मैं इसको यूज़ कर पाऊंगी।